अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन पॉकेट की बहुत ही आसान सी रेसिपी, और इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा नॉर्मली सभी घरों में आसानी से मिल जाता है, इसे हमने छान के ले लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच शुगर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट ले लेंगे। ये हमने 1 कप गुनगुना दूध ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। दूध से थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा और ये हेल्दी भी हो जाएगा। दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को इकट्ठा कर लें, एक साथ दूध बिल्कुल ना डालें। पूरा आटा गूंदने में हमें 1 कप में 1 बड़ा चम्मच दूध बच गया है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, इसके यहाँ बटर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से अब गूंद लेंगे। जैसे हम नान के लिए आटा गूंदते हैं बस उसी तरह हमें आटा गूंदना है। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और आटे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब आटे को कवर करेंगे और 1 घंटे का रेस्ट देंगे। गर्मी है तो 1 घंटा लगेगा, ठंड में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डो को जल्दी राइज होने के लिए इसे आप ब्लैंकेट में कवर करें तो ये जल्दी राइज हो जाएगा। जब तक हम एक आसान सा चिकन बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन और कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक या टेस्ट के मुताबिक। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें देखिए पीसेस हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट भी कर सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। 1 कढ़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल गर्म हो गया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और इन्हें क्रैकल होने देंगे। अब चिकन डाल देंगे और हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इतने में चिकन कुक हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, चिकन को अब हम साइड कर देंगे और बीच में जगह बना लेंगे। ये हमने 1 बड़ी प्याज को इस तरह बारीक कट करके ले लिया है। अब इसे तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंच बरकरार रखना है। चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, चिकन अब रेडी है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। देखिए डो साइज में डबल हो गया है, यानी कि ये अच्छी तरह से राइज हो गया है। बस डो को हम थोड़ा और गूंद लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितने बड़े नींबू के साइज़ होते हैं बस उतने बड़े हमें पेड़े बना लेना है। सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे छोटा छोटा बेल लेंगे, और इसकी साइज़ पूड़ी से कुछ छोटी रखेंगे। आप चाहे तो इसी तरह सभी को बेल लें, या फिर बिना बेले भी बना लें इस तरह से, जैसे मैं हाथों से इसे बढ़ा रही हूँ। ये दोनों आसान तरीका है। इसी तरह अब सबको हम बना के तैयार कर लेंगे। कवर करेंगे और 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तवे को हमने गरम कर लिया है और फ्लेम को लो रख दिया है, और इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए जब इस तरह से थोड़ा पफ हो जाए तो इसे पलट देंगे। अब कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएं। और जब तक हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले लेंगे, और ये पिघली हुई घी है, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं। और बारीक कटी हुई धनिया ले लेंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे पीटा ब्रेड बनाते हैं बस उसी तरह हमें इसे बना लेना है, लेकिन इसे हमने आटे से बनाया है और वो मैदे से बनता है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, और इस पर घी अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ पका लेंगे और घी अप्लाई कर देंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से वॉश कर रहे हैं ये भी बताइएगा। अब इसी तरह सारी पॉकेट्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारी पॉकेट्स बना दी हैं, और कितनी अच्छी दिख रही हैं ये। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, लेकिन इसे आप कवर करके ही रखें।
सारी ब्रेड पॉकेट्स ठंडी हो गई है, अब इन्हें बीच से कट कर लेंगे और थोड़ी दूर किनारों को इस तरह से जुड़ा रहने देंगे और इसी तरह सारे पॉकेट्स को कट करके रख लेंगे। अब सेम तवे में थोड़ा सा बटर डालेंगे और जो हमने ये चिकन बना के रेडी किया था अब उसे डाल देंगे और ऊपर से कुछ बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। अब चिकन को साइड में कर देंगे और थोड़ा सा बटर डाल देंगे और जो हमने ब्रेड बना के तैयार किया था अब उसे इस तरह से सेक लेंगे और इसी तरह चिकन और पॉकेट्स को असेंबल कर लेंगे। और चाहे तो आप इस तरह तवे पे रख दें साइड में और जब खाना हो तो आप गर्मा गर्म सर्व करते जाएं। सारे चिकन पॉकेट्स बना के हमने तैयार कर लिया है, बट हमें आपके लिए तो सबसे पहले ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी होगी और थंबनेल पे भी लगानी होती है। फ्रेंड्स, दिखने में भी ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और बनाना भी कितना आसान है। और इसके पहले हमने कीमे और मैदे के साथ बनाया था, उसे भी आपने बहुत पसंद किया था। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी फैमिली को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर पे मिल जाते हैं, ना इसमें हमें पाव लाने की ज़रूरत है और ना ही ब्रेड लाने की। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।